हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्न वाले 8.1 के प्रश्न संख्या 9 एवं 10 के। अगर आपने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल चाहते हैं नॉर्मल हिसाब को। दोस्तों, ये ऐसा हमारा कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, त्रिभुज ABC बोला, त्रिभुज ABC हम बना दिए हैं जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण बी को दे दिए हम। फिर बोल रहा है यदि टेन ए बराबर 1√3 दिया हुआ, ये क्या टेन ए दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये हमारा टेन ए का मान दिया हुआ है और ये बोला निकालने के लिए। तो दोस्तों, पता है आपको त्रिकोण में कोई भी चीज़ निकालना, हमें तीन चीज़ पता होना चाहिए, एक लंब, आधार, एक कर्ण। तो देखिए, यहाँ टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब एक हो गया और आधार √3 हो गया, तो लंब एक, आधार √3। अभी दो ही चीज़ पता है तो कर्ण पता होना चाहिए, इसलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंब कितना दोस्तों एक है, एक का स्क्वायर दिए, प्लस है प्लस आधार दोस्तों कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर दिए। अब एक का स्क्वायर एक ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो एक और 3 को अगर जोड़ेंगे तो √4 हो जाएगा, तो √4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है। समझ आया दोस्तों? अब कर्ण हमारा 2 निकल गया, तो 2 यहाँ दे देते हैं। अब देखिए, तीनों चीज़ पता हो चुका, अब कुछ भी निकालने बोलेगा त्रिकोणमिति का, हम निकाल देंगे। अब देखिए, यहाँ क्या पहला क्या निकालना बोल रहा है, साइन कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसमें जो जो दिख रहा है आपको उस उसका पहले मान निकाल लीजिए, फिर मान बैठा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है साइन है, तो साइन का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है, सबको पता होगा। अब देखिए, लंब कितना दोस्तों, लंब एक है। एक मिनट, इसमें एक कंडीशन है, बोलो क्या कंडीशन है, एंगल ए है तो एंगल ए के अनुसार जाएंगे हम। बताए थे लंब और आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो इसके सीधे जाइए आप, इसके सीधे जाएंगे तो ये भाई साहब हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया √3, तो √3 यहाँ दे देते हैं और कर्ण तो 2 होवे करेगा, तो साइन का मान निकल गया। अब कोसिका फॉर्मूला दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए, सी बोल रहा है ना, तो सी को ऐसे करेंगे, जो एंगल बोलेगा वही करेंगे, थीटा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा नहीं है यहाँ। अब देखिए, इसके सीधे हम जाएंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये दोस्तों क्या आधार होगा, आधार ही पूछ रहे हैं, तो आधार √3 हो गया हमारा, और कर्ण 2 इसका भी निकल गया। फिर आइए कोसे में, कोसे का देखिए दोस्तों, कोस का सूत्र क्या होता है, इसका भी सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए, ए बोल रहा है तो ए को रंगेंगे ऐसे, अब इसके सीधे में जाएंगे तो ये लंब होगा, जब ये लंब होगा तो आधार होगा, आधार ही खोज रहा है तो एक देंगे यहाँ, कर्ण कितना 2। अब इसका अमाउंट निकल गया। फिर इसमें आइए साइन सी, तो साइन का सूत्र वही होगा, लंब बटे कर्ण होगा दोस्तों, लंब कितना, देखिए सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सी, सी को घेरेंगे, अब इसके सीधे में जाएंगे ये लंब होगा, तो लंब ही खोज रहा है, तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों 1। अब कर्ण दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखिए, मेरा इसमें सब चीज़ का मान मैंने निकाल दिया, अब दोस्तों जो है उसका मान पुट कर दीजिए आप। साइन है, साइन का मान दोस्तों कितना निकाल, √3/2, साइन का मान दोस्तों √3/2 मैंने निकाला है। अब ये आपस में सटा हुआ है तो गुना होगा। कॉसी कितना है दोस्तों, √3/2, देख रहे हैं आप, फिर प्लस है। अब देखिए, कॉसे का मान मैंने दोस्तों निकाला 1/2। फिर साइन सी दोस्तों देखिए 1/2 निकाला है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए √3 और √3 3 होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज़ को रूट से गुना कर, √4 × √4 करेंगे तो 4 होगा, अगर √5 × √5 करेंगे तो 5 होगा, अगर √3 × √3 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि अगर दोनों अंक सेम है तो रूट करेंगे तो रूट चूर हो जाता है, अंक बाहर आ जाता है। वही तरह √3 × √3 करेंगे तो 3 होगा। अब देखिए, 2 × 4 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 1 × 1 1 और 2 × 4। अब इसका जब LCM दीजिएगा दोस्तों तो 4 × 4 का उत्तम 4 ही आएगा, ये एक बार में खाएगा 1 × 3 3, फिर 4 × 4 एक बार में 1। अब देखिए, 3 × 1 = 4, 4 × 4 दोस्तों यानी कि 1 आंसर हो गया। तो इसका दोस्तों 1 आंसर निकल गया, और एक है तो इसका देखते हैं, इसमें भी मान पुट कीजिए दोस्तों। कॉस ए, तो कॉस ए का मान दोस्तों यहाँ देखिए 1/2, कॉस सी, फिर ये आपस में सटा हुआ है तो गुना देंगे दोस्तों कॉस सी। अब कॉस सी कहाँ है, कॉस सी यहाँ मैंने निकाल रखा है √3/2, आसान है दोस्तों। फिर माइनस से दोस्तों यहाँ माइनस देंगे। अब साइन ए, साइन है दोस्तों यहाँ देखिए मैंने √3/2 निकाल रखा है, अब ये दोनों भी सटा हुआ तो गुना होगा। तो साइन से दोस्तों देखिए आप, साइन से मैंने यहाँ 1/2 निकाल रखा। अब देखिए, 1 × √3 √3 होगा, अब 2 × 4 होगा, माइनस है माइनस देंगे, फिर √3 × 1 √3 होगा, फिर 2 × 4 होगा। इसका भी दोस्तों आप LCM निकालिए, तो 4 × 4 का LCM निकालेंगे 4 ही होगा, 4 को 4 से भाग देंगे एक बार में खाएगा, 1 × √3 √3, फिर माइनस माइनस देंगे, फिर 4 को 4 से भाग देंगे एक बार में, और 1 × √3 √3। अब देखिए दोस्तों, √3 − √3 0 हो जाएगा, 0/4 = 0, यानी कि दोस्तों
पहले वाले का आंसर 1 आ गया और दूसरे वाले का आंसर 0 आ गया। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अब 10वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 और PQ 5, तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR, सबसे पहले PQR बनाएंगे, PQR बना दिए। फिर बोल रहा है जिसका कोण Q समकोण है, तो Q बोल रहा है तो Q समकोण दे दिए हम। उसके बाद और PQ बराबर 5, तो PQ मैंने 5 दे दिया। फिर बोल रहा है तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। यही तीनों मान ज्ञात करने के लिए बोला। मैंने क्या बताया था, लंब कर्ण आधार तीनों पता होना चाहिए तभी निकलेगा कोई भी चीज़ त्रिकोण में थी। अब देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25, PR QR 25 दिया हुआ है। ठीक है, लंब पता है, ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो हम पहले इसमें से कर्ण का मान निकाल लेते हैं। ये क्या है, PR क्या है, PR कर्ण है। यहाँ देखिए अगर PR QR 25 है तो PR बराबर क्या हो जाएगा, QR को उधर फेंकेंगे तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, ये PR का मान इतना हो गया। अब देखिए फिर हम ये निकाल लेते हैं आधार, ये क्या है, आधार है QR, तो QR बराबर आधार स्क्वायर का सूत्र होता है लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया है, PR दिया 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर दिया, फिर माइनस माइनस दिया। अब PQ कितना दिया है, 5। अब देखिए ये क्या है, A माइनस B का होल स्क्वायर पर बैठा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, याद रख लीजिए, तो यही सूत्र यहाँ पर बैठा है। अब देखिए ए स्क्वायर एक बदले में क्या बैठाएंगे, 25 का स्क्वायर हम लिख देता हूँ, एक बदले में क्या होगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2 ए का मान 25 और बी का मान क्यू आर, इधर तो PQ दिया हुआ है, PQ कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे समझ में। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, 25 को दो बार गुणा करेंगे 625 होगा, फिर Q स्क्वायर का Q स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 50, 50 गुना QR 50 QR हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस 25 हो गया। अब देखिए इधर QR, इधर भी QR, इधर भी QR, दोनों का डाल देंगे कट जाएगा, इधर क्या बचा है 625 और माइनस 25। ठीक है, 625 में अगर 25 को घटा देंगे तो 600 हो जाता है, ये माइनस है, 625 को 25 में घटाएंगे तो 600 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने 25 50, अब 50 गुने QR 50 QR, तो माइनस है तो माइनस 50 QR हो गया। अब देखिए इधर 600 है, माइनस 50 QR को उधर फेंक देंगे तो प्लस हो जाएगा, देखिए 600 इसको उधर फेंक दिया, यहाँ हो गया 50 QR। अब इसको कटा दीजिए, 50 को 600 से कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा, अब गुना कर लीजिए 50 गुना 12 600 हो जाएगा। अब 50 को 600 से 12 बार में कट गया तो हमारा QR जो इधर QR बचा तो QR बराबर 12 निकल गया, तो QR कितना निकल गया, 12। देखिए QR 12 यानी कि आधार मेरा 12 निकल गया, जब QR 12 निकल गया तो इसमें QR घटा दीजिए तो 25 माइनस QR कितना है 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कि PR 13 निकल गया। अब देखिए PR 13 निकल गया तो साइन P, अब P बोल रहा है तो P इसको करेंगे पहले, इसके अनुसार ये लंब होगा, सीधा जाएगा तो ये लंब हो गया। साइन P का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना हो जाएगा इसके अनुसार 12 और कर्ण तो ये रहेगा 13 हो गया। अब देखिए कॉस पी, फिर पी ए बोला तो पी को फिर करेंगे, अब इसके अनुसार जाइए तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण तो 13 ही होगा। अब टेन पी, फिर पी बोल रहा तो पी के अनुसार जाइए, इसके अनुसार ये जाइएगा लंब, लंब कितना 12, आधार 5, यही हो गया हमारा आंसर।